नमस्कार दोस्तों, बड़ी मार्मिक कथा है। रावण ने लक्ष्मण को पूछा, मेरा सवाल अगर तू जवाब दे तो मोक्ष प्राप्ति होगी मुझे। लक्ष्मण ने पूछा, बोलिए रावण साहब, क्या पूछना है? रावण बोला, मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, मैं कुल में तुमसे बड़ा। मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, मैं कुल में तुमसे बढ़ा। मैं चार वेदों का ज्ञाता, सारी दुनिया में डंका बजता मेरा। मेरे ज्ञान का डंका सारी दुनिया में बजता है। मैं कुल में तुमसे बढ़ा, मैं ज्ञान में तुमसे बढ़ा, मैं सेना में तुमसे बढ़ा। मेरे सेना में ऐसे ऐसे योद्धा थे जिसे देखकर देवता भी कांपते थे। मेरे बेटे ने इंद्र को बंदी बनाया ले आया था, मैंने काल को बांध रखा था। लक्ष्मण बोला, जनाब सवाल क्या है? तो वही वही बोल रहा था रावण कि तुम दो वनवासी भाई नंगे पैर सात समंदर पार करके मेरे ज़मीन पे आ गए और मुझे परास्त कर गए। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी की एरिया में जाके उसको ही परास्त करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और एक और बात, ये जो रावण है ना दोस्तों, इसने राम और लक्ष्मण को कभी नाम से नहीं पुकारा, ऐसे ही बोलता था, ए वनवासी, ए मनुष्य। फिर रावण बोला, मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, मैं कुल में तुमसे बढ़ा, मैं ज्ञान में तुमसे बढ़ा, मैं सेना में तुमसे बढ़ा। आखिर सवाल बस यही है, आखिर मैं हारा क्यों? मैं तो कहीं से भी कम नहीं था, फिर हारा क्यों? तो लक्ष्मण बोला, रावण साहब, इस सवाल का तो जवाब मेरे पास नहीं है, आप ही बताइए। तो रावण बोला, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, सवाल का जवाब बस एक ही है, तुम चरित्रवान और मैं चरित्रहीन। बस तुम चरित्रवान और मैं चरित्रहीन, बस यही जवाब है इसका। दोस्तों, रावण इतना अपने पाप में गिर चुका था कि उसको उसके पाप का दंड मिलना आवश्यक था, इसलिए राम ने उसको मारा। दोस्तों, आप हमेशा याद रखना कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कितनी भी कठिन समस्या आए, आपको चरित्रहीन होना नहीं, आपको क्या होना है? चरित्रवान होना है। आपको लाइफ में कोई परास्त नहीं कर सकता, जीवन में कोई परास्त कर ही नहीं सकता। आप आपकी जीवन में बहुत सफल हो जाएंगे। आपको क्या होना चाहिए? चरित्रवान। चरित्रवान इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं, और वही लोग सफल होते हैं जो चरित्रवान होते हैं। याद रखिए दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, चरित्रवान होना बहुत ज़रूरी है। गुड।